नमस्कार, मैं भारत पंचवाल स्वागत करता हूं आपका एसीएन भारत में। आइए रुक करते हैं एसीएन रफ्तार की। रजिस्ट्रार ऑफिस में कामकाज ठप, 15 दिनों से अधिकारी कर्मचारी अनुपस्थित, अधिकारियों की कमी से आम जनता परेशान है, लूग और स्टाम्प वेंडर खाली हाथ लौट रहे। बेतुल में आंगनबाड़ी केंद्र पर बड़ी लापरवाही, बच्चों को खिलाया जा रहा कीड़े वाला बांसा भोजन, ग्रामीण के साथ पहुंचकर सरपंच ने बनाया पंचनामा, शिकायत मिलने पर एसडीओपी भी पहुंचे मौके पर। सागर छात्रावास के नजदीक तीखा तेंदुआ, वन विभाग सर्चिंग में जुटा रात भर, तेंदुए की दहशत में सोए स्टूडेंट्स, कैंपस में कर्फ्यू जैसा माहौल। भिंड में घर के अंदर सो रही महिला को सांप ने काटा, सांप के काटने से महिला की हुई मौत। रीवा में मिलावटी खाद्य पदार्थों की बिक्री तेज, बालाजी ट्रेडर्स के कारखाने में निरीक्षण, 6 महीने पहले खाद्य विभाग ने की थी कार्रवाई, खाद्य पदार्थों के सैंपल जांच के लिए भेजे। दबोह गया बंदर खुद पहुंचा अस्पताल, इंसानों के अस्पताल में हुआ बंदर का इलाज, सिविल अस्पताल के स्टाफ की हो रही तारीफ, शांत भाव से बंदर ने कराई मरम्मत। छतरपुर में शहर भ्रमण पर निकले भगवान, बिहारी जू गाजेबाजी के साथ निकाली गई यात्रा, पालकी में सवार होकर पहुंचे बिहारी जू मेला, 20 अक्टूबर से शुरू हो रहा जल विहार मेला। 11 पूरे एशियन भारत की खबर का असर, शराबी शिक्षक पर गिरी गाज, कलेक्टर ने शिक्षक को किया निलंबित, स्कूल में शराब के नशे में पाया गया शिक्षक। बुधनी में उपचुनाव के आंकड़े, कांग्रेसी नेताओं का शागन से द्वारा, प्रत्याशी को लेकर 1-to-1 चर्चा, कांग्रेस की प्रत्याशी चयन के लिए कवायद तेज। खंडवा में अमृत 2.0 जल प्रदाय योजना, निर्माणाधीन वाटर प्लांट का निरीक्षण किया महापौर ने, संयंत्रों की गुणवत्ता की गहन जांच की, सतत जल आपूर्ति सुनिश्चित करना लक्ष्य। डिंडोरी गांव में फैला डायरिया का प्रकोप, एक ही गांव में लगभग 10 लोग हुए प्रभावित, मौके पर पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम, डायरिया से गांव में बचा हड़कंप। पुनासा में संत सिंगाजी महाराज का मेला उत्सव, 70,000 से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे, 270 से ज्यादा पुलिस जवान तैनात, गांव में घर घर निशानों का पूजा। इंदौर में पलासिया पुलिस कंट्रोल रूम पर जनसुनवाई, 11 शिकायतकर्ता समस्या लेकर पहुंचे थानों पर, हो रही उचित समाधान, संतुष्ट हो रहे लोग, एसपी जनसुनवाई में शिकायत की कमी। उज्जैन में तेजी से पैर पसार रहा डेंगू, अब तक डेंगू के 24 मरीज आए सामने, जनता से प्रिकॉशन रखने की अपील करके आसपास पानी जमा न होने दें। चंदेरी कलेक्टर जनसुनवाई में कम पहुंचे लोग, तहसील परिसर में सीमित आवेदन पहुंचे, पंचायतों में जनसुनवाई शुरू, कांग्रेस का आदेश, कर्मचारी को उपस्थित रहने का आदेश। उज्जैन में प्रमुख पेंशनर एसोसिएशन ने दिया धरना, 10 सूत्री मांगों को लेकर कलेक्टर को दिया ज्ञापन, 2 घंटे धरना प्रदर्शन करने की नाराजगी जाहिर की। इंदौर निजी अस्पताल की बड़ी लापरवाही, ऑपरेशन के दौरान काटी नसें, जनसुनवाई में शिकायत लेकर पहुंची महिला, अब डॉक्टर करवाएंगे महिला का पूरा इलाज। उज्जैन में महाकाल एवं अस्वर्णीय अनुभव, महाकालेश्वर के दर्शन का भाव शब्दों में पिराया, महाकाल के दरबार में पुस्तक का विमोचन, नोएडा की महिला ने लिखी बाबा महाकाल पर पुस्तक। बैतूल में शासकीय कॉलेज में विद्यार्थियों के भविष्य से खिलवाड़, लाइब्रेरी में रखी किताबों में हो रही गीली, प्रिंसिपल देती रही छात्रों को धमकी, छात्र छात्राओं ने दिया धरना। शहडोल गुड़वाना गणतंत्र पार्टी के विरोध प्रदर्शन, शहडोल जिला प्रशासन पुलिस बल मौजूद, सिविल सर्जन को हटाने की मांग, कलेक्टर कमिश्नर को भी दी धमकी। इंदौर निगम कमिश्नर शिवम वर्मा का स्वागत, नगर निगम कर्मचारियों का तोहफा, वेतन के साथ 2000 मेडिकल भत्ता मिला, निगम के फैसले से कर्मचारियों में खुशी। इंदौर जनसुनवाई का आयोजन हुआ, लोग अपनी समस्या लेकर पहुंचे, कई आवेदनों का तत्काल निराकरण, वृद्ध महिला को तुरंत दिलाई पेंशन। गड़ाकोटा गुजरा ग्राम में शस्त्र पूजन, धूमधाम से निकाला पथ संचलन, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष हुए पूर्ण। शिवपुर में खाद की कालाबाजारी, किसानों कलेक्टर पर किया प्रदर्शन, कलेक्टर के नाम तहसीलदार को ज्ञापन, डीएपी यूरिया खाद की हो रही कालाबाजारी। बंटवारा किसानों की जमीन पर रेत कंपनी की नजर, रेत कंपनी की साठगांठ में प्रशासन ने थमा नोटिस, रेत कंपनी और प्रशासन की मिली भगत से किसान परेशान, तहसीलदार के सामने फरियादी लेकर पहुंचे किसान। साजापुर ग्राम परवाड़ी में 2 गुटों में विवाद, बंजारा समाज और पाटीदार समाज में हिंसा, बंजारा समाज ने एसपी से की शिकायत, एसपी ने दिया आश्वासन। महेश्वर में महात्मा गांधी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में वो कार्यक्रम, छात्रों को निःशुल्क साइकिल वितरित की गई, आईसीटी लैब का उद्घाटन भी किया, विधायक राजकुमार मेम ने बच्चों को सम्मानित किया। आस्था पेट्रोकेमिकल प्लांट का विरोध, गेल इंडिया वापस जाओ के लगाए नारे, ग्रामीणों ने गांव में नहीं घुसने दिया अधिकारियों। हरियाणा पुलिस ने की कार्रवाई, बड़ी मात्रा में अवैध शराब जब्त, मौके से एक आरोपी को किया गिरफ्तार। और फिलहाल के लिए एशियन रफ्तार में इतना ही, तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए एशियन भारत।